केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा, जिले के प्राचीन मंदिरों में करेंगी पूजा अर्चना, रामलीला मंचन के कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बागपत में लगातार बढ़ रहा बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बस्ती में नहीं थम रहा बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अखिलेश यादव ने साधा केंद्र पर निशाना, योजनाओं को लेकर बीजेपी पर कसा तंज, कहा गरीबों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो चुका है। मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ योगी सरकार से बाहर हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राज पर एक बार फिर से बीजेपी के सहयोगी के रूप में नजर आ सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें रख दी हैं, जिन्हें गठबंधन से पहले पूरा कराने का ठोस आश्वासन बीजेपी से चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन से पहले बीजेपी से मांग रखी है कि देश में पिछड़ों की जातिगत जनगणना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए, यूपी में घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए, एक समान अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाए। राजभर ने पुलिस कर्मचारियों की बॉर्डर सीमा समाप्त हो, इन्हीं पर अपने जिले में तैनाती हो और इस पर छूट होनी चाहिए, साथ ही पुलिस ड्यूटी 8 घंटे की सीमा निर्धारित हो और साप्ताहिक अवकाश दी जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, होमगार्ड पीआरडी और चौकीदार दोनों पुलिस के सामने सुविधाएं मिले, ये शर्तें रखी हैं ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के सामने। आप बता दें कि एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। 2022 का बड़ा चुनाव, विधानसभा चुनाव, ऐसे में अब कोई भी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और इसी सिलसिले में अब ओम प्रकाश राजभर भी शहमात के खेल को शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। मांगे पहले पूरी नहीं हुई तो मंत्री पद को छोड़ दिया और योगी सरकार से अलग हो गए, लेकिन एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सहयोगी के रूप में नजर आ सकते हैं, ऐसे में बीजेपी को बहुत ज्यादा मजबूती मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रूबी सिद्दीकी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ऐसी जानकारी मिल रही है, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत नजर आएगी। बिल्कुल काजोल, देखिए सबसे पहले बता दूं, अभी इन्होंने एक प्रेस वार्ता करी है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी हमारे मुद्दे पर साथ खड़ी होगी हम उसी के साथ हो जाएंगे, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा है तमाम मुद्दों पर बनाया गया है और 27 अक्टूबर को मऊ में उनकी घोषणा की जाएगी। 27 अक्टूबर की पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हल्दर मऊ में एक घोषणा की जाएगी, उसके उसी के साथ गठबंधन किया जाएगा, जो इनकी पार्टी के जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनको माना जाएगा। बिल्कुल रूबी, लेकिन यहाँ शर्तों पर गठबंधन की बात हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने बहुत सारी शर्तें ऐसी रखी हैं जिनका पूरा होना कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आता है। गठबंधन से पहले पूरा आश्वासन चाहते हैं कि बीजेपी आश्वासन दे, तभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उनके साथ एक पूरा मजबूत गठबंधन तैयार करेगी। लेकिन अगर 2017 या उसके बाद के हम उपचुनावों की बात करें तो एक अच्छा खासा रिस्पांस दोनों ही पार्टियों को मिला, लेकिन अगर ये शर्तें बीजेपी नहीं मानती तो ओम प्रकाश राजभर के लिए तो मुश्किलें होंगी ही, साथ में बीजेपी के पास एक अच्छा मौका हो सकता है साधने का, लोगों को, आम जनता को साधने का, वो कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल काजोल, कह सकते हैं कि देखिए पहले मैं बता दूं कि दरअसल पहले मायावती के विवाद के बाद बीएसपी में जब अलग हुए थे राजभर 2004 में, तो उन्होंने भारतीय समाज पार्टी का ये गठन किया था और उसके बाद ही वहां पे भी इनको सफलता नहीं मिली, फिर उन्होंने अंसारी बंधुओं का साथ पकड़ा लेकिन उसके बाद भी उनका वहां कोई फायदा नहीं बना, लास्ट में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया और 13 साल बाद पार्टी में उन्होंने पहली बार जीत हासिल करी थी और जिसके बाद 4 सीटों पर उन्होंने जीतने के बाद विधानसभा पहुंच गए थे। लेकिन जब बीजेपी में जब वो शामिल हुए थे वही योगी आदित्यनाथ के साथ इनका मन मुटाव होना शुरू हो चुका था और कई ऐसे बयान निकल के आ रहे थे जिसके वजह से फिर उन्होंने अपनी जो पार्टी को अलग कर दिया था और उसके बाद ही योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने लगातार कई ऐसे बयान दिए थे। लेकिन अब चुनावी स्टंट भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, अब उस राजभर हो या फिर ये कह सकते हैं बीजेपी हो,
दोनों अगर इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों को ही फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुहेल जी पार्टी नाम पर उन्होंने एक अलग से तैयारी जो पार्टी तैयार की थी उसमें तहत उन्होंने छोटे छोटे कई ऐसे दलों को भी शामिल कर लिया था, कहीं ना कहीं बिल्कुल मजबूत होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब उन्होंने जो एक मुद्दा रखा है यानी कि जो पार्टी को मजबूत तभी होगी, पार्टी को वो तभी मजबूत कर सकते हैं चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उससे इनको फायदा मिलेगा। तो अब इनका ये मानना जरूर है ऐसे में काजोल की अगर हमारी पार्टी बिल्कुल रूपी देखा जाए तो खुले तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने तो कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं इन शर्तों पर अगर आश्वासित बीजेपी करती है, लेकिन क्या बीजेपी मानेगी इन शर्तों को, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती हैं, क्या कोई सुबगाहट? देखिए काजोल, अभी इस मसले में कहीं से कोई भी कह सकते हैं खबर या सूचना कहीं से भी नहीं मिली है। हालांकि इनके तरफ से ओम प्रकाश राजभर के तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है और आज इन्होंने अभी लखनऊ में एक प्रेसवार्ता करी है जिसमें उन्होंने साफ कहा है 27 अक्टूबर को वो अपना स्थापना दिवस मनाएंगे और इसी में ही वो देखेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी इसके मुद्दों पर तैयार होती है या ये कह सकते हैं कि इसके पार्टी के जो मुद्दे हैं अहम मुद्दे उन्होंने जो दे रखे हैं उसके साथ अगर ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो निश्चित तौर पे ये उस पार्टी से भी हाथ मिला सकते हैं जो इनको मुद्दों को मान सकती है। बिल्कुल रूबी, देखा जाए तो इस समय पर फिलहाल जो दल बदलने की रणनीति है वो देखी जा सकती है क्योंकि समय बेहद कम है। अभी गठबंधन की जो दौर है वो भी शुरू हो गया है, जिस तरह से जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो सपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सभी जो दल हैं अपने से छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और बीजेपी गठबंधन करती है तो विपक्ष के लिए कितना मुश्किल भरा ये गठबंधन हो सकता है। काजोल देखिए, राजनीतिक दलों के जो बीच है और मात का जो खेल है शुरू हो चुका है यानी कि पिशाच पिशाच जो बीत चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि अगर फायदा अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पे ओम प्रकाश राजभर को बिल्कुल मिलेगा क्योंकि काफी टाइम से ये अलग चल रहे थे, इनकी अपनी एक अलग पार्टी चल रही थी लेकिन उस पार्टी के तहत इनका कहीं से भी कोई मजबूती देखने को नहीं मिल रहा था। अब ऐसे में चुनावी कह सकते हैं स्टंट भी है या ये भी कह सकते हैं अब अपनी पार्टी को बुनाने का वक्त आ चुका है जिसमें इन्होंने बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाया है। अब देखना यही होगा काजोल की बीजेपी इनकी इन शर्तों के साथ इनका स्वागत करती है या फिर इनको जैसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया था एक बार फिर इनको बाहर का रास्ता ही दिखाएगी। लेकिन अभी कहीं से ऐसी कोई भी सुगुगाहट नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर की वापसी है या फिर हाथ मिलाया जा सकता है जिससे पार्टी को काफी फायदा हो सके। ठीक है रूबी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो गठबंधन के लिए शर्तें बहुत ज़्यादा हैं, अब ये शर्तें बीजेपी मानती है नहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर की बातें बीजेपी मान लेती है और ये गठबंधन पूरी तरह से तैयार होता है तो आने वाले समय में एक बार फिर से मजबूती जो है बीजेपी की दिखाई दे सकती है। तो बीजेपी से हाथ मिलाने को ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से तैयार हैं, एक बार फिर से पद से इस्तीफा देने के बाद तैयारी हो रही है कि बीजेपी में वापस जाया जाए, लेकिन बीजेपी उन शर्तों को मानती है नहीं मानती अपने आप पे बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वक्त चुनाव का है, चुनावी माहौल है, 2022 की तैयारी है, तो ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही इन बातों को मान लिया जाए, ये जो यहाँ पर शर्तें रखी हैं इनको मान लिया जाए। वो शर्तें क्या क्या हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन से पहले बीजेपी से मांग रखी है कि देश में पिछड़ों की जाति जनगणना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए, यूपी में घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए। दयाराम भार्गव जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे भी हम सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सुहेलदेव पार्टी से एक बार फिर बीजेपी की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं उन पर उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि पहले तो
मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन अब बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही तमाम शर्तों के साथ, क्या बीजेपी मानेगी ये शर्तें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी कह चुके हैं भाजपा को छोड़ करके किसी भी पार्टी के साथ हम उत्तर प्रदेश में समझौता करेंगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा दो साल जब भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी विधायक बनके कैबिनेट मंत्री बनते हैं और अपनी सारी बातों को लेकर के, जैसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आपके सामने है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राजभर जी हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर देंगे। फिर ये खबरें कहां से उड़ रही हैं? क्या ये सिर्फ महज अफवाहें हैं? आप तो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, भारतीय जनता पार्टी गोलमोल की बातें करती है। आज भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में पूर्वांचल के 125 सीटों पर राजभर जी का दबदबा है। इनको भारतीय जनता पार्टी को पता है कि राजभर जी ने जो एक मोर्चा बनाया भागीदारी संकल्प मोर्चा, ये मोर्चा जिसके साथ जाएगी उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल भार्गव साहब, लेकिन आप इतने नाराज क्यों हैं बीजेपी से? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में गांव, गरीब, किसान, मजदूरों की आवाज को नहीं सुना गया, इसकी नाराजगी है। आप शिक्षा को लेके देख लीजिए, स्वास्थ्य को लेके देख लीजिए, न्याय व्यवस्था को लेके देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश के 400 विधानसभाओं में आज जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर पीड़ित है उसकी हम चर्चा करते हैं। आप देखिएगा शिक्षा का आधार, आप देखिए जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला में पिछड़ों का 18,000 जो है ओबीसी का जो है लूट लिया जाता है योगी सरकार, उसमें सामान्य जातियों को भर्ती कर देती है, तब इनको दिखाई नहीं देता राजभर की आवाज को। उसके साथ में आपने देखा होगा बाधा में कृषि प्रोफेसर की भर्ती में, 13 की भर्ती में 11 ठाकुरों को भर्ती कर दिया जाता है, उसमें आवाज नहीं उठाई जाती। यही जब भारतीय जनता पार्टी 2017 से पहले विपक्ष में थी, पिछली सरकार को कहती कि एक जात की सरकार, यादव की सरकार, आज क्या है? आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जो 1400 थाने, सभी थानों में आप देखिए, 1700 थाने उत्तर प्रदेश में, सभी थानों में आप देखिए सामान्य जात के लोगों की सबसे ज्यादा बढ़ावा है, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का, एक बात बताइए कि सुहेलदेव पार्टी किसके साथ जा सकती है? आपने साफ कह दिया कि बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, और कौन है आपकी नजर में जो आपके साथ आ सकता है और आपकी पार्टी की जो शर्तें रखी गई हैं उनको मान सकता है? किस पर भरोसा जता सकते हैं आप? क्योंकि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी, उससे पहले बसपा, बसपा से अलग होकर आप बीजेपी में आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बसपा के साथ में जो हमारा मामला था आदरणीय नेताजी 2002 में जब बसपा के साथ में सरकार में थे, तो उन्होंने केवल एक जिले का नाम चेंज करने के ऊपर हुआ था, महापुरुषों के नाम पे हुआ था। तो आदरणीय जो बहन कुमारी मायावती ने, उन्होंने बात को नहीं माना, उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी तो राजनीति है। और आप देखिए बनाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, बसपा के साथ जा सकते हैं, उम्मीदें हैं। बसपा, सपा, कांग्रेस, देखिए उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम करेगा, उसको हराने का काम करेगा, तो जो भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ कहा है कि हम भाजपा को छोड़ करके किसी दल के साथ जा सकते हैं जो भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेगा। आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष है, आप ये बता दीजिए फिर। नहीं, देखिए विपक्ष की भूमिका अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आदरणीय नेता जी ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उठाया, उसका मैं बता देता हूं आपको। आप बताइए, सरकार में रहते हुए, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जब जब इन्होंने कोई नाकामियों करने का काम किया, उन्होंने टीवी मीडिया के माध्यम में, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने का काम किया, उन्होंने बताया कहां भ्रष्टाचार हुआ, कहां चौकी थाने पे कानून व्यवस्था लचर व्यवस्था है, कहां पे गरीबों को सुनवाई नहीं हो रही है, कहां दलितों को जात देख कर पूछ कर मारा जाता है, थाने में जात पूछ के आपको बैठाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित्र चेहरा जो है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जान चुकी है, और वो मन बना ली है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ इस समय उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। हम तो बार बार कह रहे, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है भागीदारी संकल्प मोर्चा उसके साथ जाएगी। यानी गठबंधन तो होगा, अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी? नहीं, देखिए हमने कहा ना, भागीदारी संकल्प मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, हम उसके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर अफवाहें करार दे दिया है। अभी हमारे साथ सुहेलदेव पाठी से ही जो प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ बीजेपी अफवाहें उड़ा रही हैं, हमारा कोई मन नहीं है बीजेपी के साथ जाने का और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले नहीं हैं, वो बेहद नाराज हैं, पार्टी किसी भी अन्य दल के साथ जा सकती है लेकिन बीजेपी से जो नाराजगी है वो खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते रुख करेंगे कुछ और खबरों का। सिंघू बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 10 महीनों से, वहां युवक की बेरहमी से हत्या का एक मामला सामने आया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जानकारी के मुताबिक उसके हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया गया। शव मिलने के बाद से ही सिंघू बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया। आंदोलनकारी शुरुआत में पुलिस को भी मुख्य मंच के पास नहीं जाने दे रहे थे, हालांकि बाद में कुंडली थाना पुलिस ने शव को उतारा और सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास सुबह शख्स का शव लटका हुआ मिला। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही है। युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान है। जिस युवक को मारा गया है उसका हाथ कलाई से बिल्कुल अलग कर दिया गया। इस हत्या के आरोप निहंगों पर लग रहा है। बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी के अलग अलग सीमाओं पर किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इस धरने को 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। किसानों का कहना है कि वे लोग कृषि कानूनों की वापसी से पहले हटने वाले नहीं। वहीं सरकार का कहना है कि वो कानून को वापस नहीं लेगी, लेकिन किसानों की बात करें तो वो पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि सरकार भले ही जो मर्जी कह ले हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। लेकिन इस आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। कई बार ये तस्वीरें काफी मार्मिक रही, कई बार ये तस्वीरें काफी हिंसात्मक रही और अब की बार ये तस्वीर बेहद ही दर्दनाक रही है। बताया जा रहा है कि निहंगों ने पहले तो उस युवक के साथ जबरदस्त मारपिटाई की, 10 मीटर तक उसे घसीटते हुए लेकर गए। उसकी पिटाई करने के बाद उसके हाथ काट दिए और बैरिकेटिंग से लटका दिया। फिलहाल उसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और निहंगों ने इसका वीडियो भी बनाया है जो अब तक नहीं आया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक वो वीडियो जल्द ही वायरल भी हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की उस पर नजर है कि वीडियो वायरल ना हो। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब के साथ उस शख्स ने कुछ छेड़छाड़ की थी और इसी से नाराज होकर निहंगों ने ये हमला किया। लेकिन सवाल ये है कि जो आंदोलन शांतिपूर्वक चलने की बात लगातार किसान कहते हैं, उन आंदोलन की तस्वीरें ऐसी बार बार क्यों सामने आती है? अगर उस शख्स ने गलती की, गुरु गोबिंद साहिब को हाथ भी लगाया, तो क्या पुलिस को नहीं बुलाया जा सकता था, पुलिस द्वारा पकड़वाया नहीं जा सकता था, या खुद ही कानून को हाथ में लेकर एक शख्स को मौत के घाट उतार देना अपने आप में सही है? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की तस्वीरें वाकई दूषित होती जरूर नजर आती है। तो सिंघू बॉर्डर पर सुबह सुबह सनसनी फैल गई जब एक 35 साल के युवक का शव, जिसके हाथ कटे हुए थे, वो बारकेटिंग से लटका हुआ मिला। आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। हालांकि जो निहंग है वो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें गठित कर दी गई हैं और मामला बेहद संवेदनशील है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। भानु सिंह किसान नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु सिंह जी, सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। भानु जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? भानु जी, क्या आवाज आ रही है मेरी आपको? तो भानु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधेंगे। फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि सिंघू बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां युवक की बेरहमी से हत्या का मामला ये सामने आया है। बेहद ही सनसनीखेज वारदात। मिली जानकारी के मुताबिक उसके हाथ काटकर शव को बैरिकेटिंग से लटका दिया गया। शव मिलने के बाद से ही सिंघू बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया है। आंदोलनकारी शुरुआत में पुलिस को भी मुख्य मंच के पास नहीं जाने दे रहे थे। सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।
हालांकि बाद में कुंडली थाना पुलिस ने शव को उतारा और सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास सुबह शख्स का शव लटका मिला। उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। युवक के शरीर पर अन्य जगह पर भी धारदार हथियार से हमले के निशान है, मारपिटाई के भी निशान है। जिस युवक को मारा गया है उसका हाथ कलाई से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। इस हत्या का आरोप निहंगों पर लग रहा है। बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी की अलग अलग सीमाओं पर किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने को करीब 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस आंदोलन की तमाम तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई मीटिंग्स भी हुई लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। किसानों का कहना है कि वे लोग कृषि कानूनों की वापसी से पहले नहीं हटने वाले, वहीं सरकार का कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं लेगी। पवन कटाना किसान नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, नमस्कार। पवन जी, सिंगू बॉर्डर में इतनी निशंस हत्या एक शख्स की कर दी गई है, सबसे पहले आप बताइए इस मामले पे क्या कहेंगे आप? नहीं, हत्या किसी की भी हो वो दर्दनीय होती है, दुखद होती है और निंदनीय होती है। इस तरीका से कोई हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जांच का विषय है। हत्या तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन जहां जो हत्या कर रहे हैं उनको भी बचाया जा रहा है। जहां जो गृह राज्य मंत्री का बेटा सरेआम किसानों को कुचल दिया जाता है, उनको बचाया जाता है। हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं जांच किया जाए, जांच का विषय है। अगर किसी की भी हत्या होती है तो ये तो इंसान है, अगर जानवर की जांच का विषय है, हत्या नहीं होनी चाहिए। सिंगू बॉर्डर मुख्य मंच के सामने एक शख्स के हाथ काट कर उसे टांग दिया जाता है, सिर्फ जांच का विषय है, आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस पर? किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। कभी क्या प्रतिक्रिया चाहते हो आप? आपको बता दिया कि भाई गलत है, निंदनीय है, दुखद है, और इससे ज्यादा क्या कहेंगे हम? हम कह रहे हैं इसका जांच का विषय है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, वो जांच का विषय हो जाता है तो जांच का विषय लखीमपुर खीरी मामले पर क्यों जांच का विषय नहीं होता? तब तो आप बहुत आग बबूला हो जाते हैं। लखीमपुर खीरी जांच का विषय हो जाता है, उसे जानते हो, जहाँ स्पष्ट वीडियो दिख रही है गाड़ी पीछे से कुचल रही है, वो जांच का विषय हो जाता है। गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल जाता है, उसको बचाने के लिए पूरा सरकार तंत्र लगी हुई है, वो जांच का विषय हो जाता है। नहीं तो इसमें आप... जांच का विषय नहीं होता। आप मेरी बात सुनिए ना पवन कटाना, जिसमें तो किसान आंदोलन भी तो बदनाम हो रहा है ना इससे। एक शख्स की हत्या हो गई है, एक शख्स की हत्या हो गई, किसान आंदोलन भी तो राज्य मंत्री के साथ। सरकार को छोड़िए ना, आप किसान आंदोलन की बात करिए, आप किसान नेता हैं। सरकार का गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचलता है, सरकार बदनाम नहीं हो रही? अब फिर इस मामले को, इस मामले से जोड़ रहे हैं। राज्य मंत्री का बेटा अगर किसानों को कुचल रहे तो सरकार बदनाम नहीं होती? सरकार को बदनाम होने दीजिए ना, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। एक सिंगू बॉर्डर पर इतने सालों से किसान आराम से, इतने महीनों से किसान शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो मानते हैं आप? शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन में एक शख्स के हाथ काट दिए जाते हैं, निहंगों पर इसका आरोप लग रहा है। हम ये कह रहे हैं आरोप लग रहा है, अगर आरोप सिद्ध होता है तो कोई भी हो, मैं हूं या कोई और हो, उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए, लेकिन आरोप लगा है ना अभी, दोष तो सिद्ध नहीं हुआ, दोष सिद्ध होगा। अगर दोष सिद्ध होता है तो जेल जाना चाहिए, कौन मना कर रहा है? तो और अगर उसके रिकॉर्डेड कोई वीडियो या कोई फोटोज ऐसी हैं तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, जिससे कि वो कहीं इनको जो सबूत है उनको नष्ट ना कर पाए, किसी पर प्रेशर ना बना पाए। अगर किसी भी तरीका से उसे कोई सपोर्ट करता है तो वो गलत है, अगर कोई भी किसान नेता उसे सपोर्ट करता है तो भी गलत है, लेकिन पहले उसका जांच का विषय है। अगर जांच में जो भी तथ्य पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी है, एनीवे अगर मैं ही हूं तो मुझे भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, तुरंत तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करो, कोई भी गवाह और सबूतों को नष्ट ना करे, इसलिए उसको हिरासत में रखो और अगली जांच करो, इसमें कौन सी बुरी बात है? हम तो कह रहे हैं भाई, अगर एक किसी भी शख्स की हत्या हो जाना बुरी बात है, यहाँ तो हम तो 750 किसानों की हत्याओं से पहले ही दुखी हैं, और फिर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो निंदनीय है, वाकई उस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर कोई लोग इस तरीका के हैं तो उनका इस संगठन से, इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसान नेताओं की भी तो है ना सर, मेरी बात सुनिए, ये जिम्मेदारी किसान नेताओं की भी है ना, कि उनके आंदोलन में, उनके जहां पर उनके पूरे तरह से
जहां बैठे हैं किसान इतनी भारी संख्या में इतने महीनों से, वहां पर क्या हो रहा है? कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं आ रहे हैं, कोई हिंसात्मक तत्व तो नहीं है वहां पर? उस पर भी तो नजर होनी चाहिए ना किसान नेताओं की, ताकि प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा दिलवाइए कि उनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 8 किसानों को कुचल दिया। देखिए वो इस्तीफा तो मैं, किसान नेता वापिस जाएंगे अपने घर, दिलवाइए आप देश के गृह प्रधानमंत्री। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे तो किसान उठ के चले जाएंगे, यानी कृषि कानून, तीनों कृषि कानून से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ मंत्री के इस्तीफे से मतलब है? 8 किसान की निर्मम हत्या होती है, 8 किसानों की निर्मम हत्या होती है, सरकार नहीं देखती? सरकार गृह राज्य मंत्री का बेटा कुचलता है, ठीक है, समझ गए, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, समझ आ गया। आप ये कह रहे हैं कि मंत्री जी अगर इस्तीफा दे देंगे तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, आप उठ के चले जाएंगे, यानी कि आपको नए कृषि कानून से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मंत्री के इस्तीफे से मतलब है। चलिए पवन कटाना जी, पवन कटाना जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला सिंघू बॉर्डर का था, और आपने सुना भी किसान नेताओं को किस तरह से उनका कहना है, हालांकि ये पूरी तरह से निंदनीय है, लेकिन इस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हम जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसान नेता इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। वो हर मामले को सिर्फ और सिर्फ लखीमपुर खीरी से जोड़ना जानते हैं। चलिए अब आपको सूरत लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। सरदार साहब ने कहा था, और सरदार साहब के वाक्य हमने अपने जीवन में बांध के रखना